देखिए सुबह सुबह हमें क्या मिला, आम गिरा पड़ा मिला। काफ़ी नज़दीक है आम छत से, और इसे कोई बच्चा भी तोड़ सकता है, इतना नज़दीक है। तो एक कच्चा आम मिला, तो चलते हैं इसका चटनी बनाएंगे आज। तो सोची कि आकर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, सुबह का टाइम है अभी, 8 बज रहा है और धूप देख सकते हैं कितना कड़ा निकला हुआ है। 8 बजे का टाइम है और लग रहा है कितना टाइम हो गया है। देख सकते हैं, चलते हैं नीचे, चाय वगैरह पियेंगे और फिर आगे का जो भी रूटीन रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। लकड़ियों को इधर लग देते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर एक फ्रेश न्यू ब्लॉग के साथ। तो चाय वाय पीकर अभी बैठी थी और तन्नी यहाँ पर मेरे लिए बना कर लाई है सैंडविच। तो ब्रेड सैंडविच का नाश्ता करते हैं और फिर आगे का जो भी रूटीन रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल तो अभी नाश्ता करके मैं चलूँगी, थोड़ा सा सिलाई करना है, सिलाई मशीन पर बैठूँगी। थोड़ा सा कुछ कपड़े वगैरह हैं जिन्हें सिलाई करना है, फिटिंग वाला काम करना है, तो वही बैठ कर करेंगे। फिर देखेंगे रसोई का क्या काम करना है। उधर सिलाई करेंगे तब तक पायल जो है दाल चावल बना लेगी, फिर देखेंगे सब्जी में क्या बनेगा नहीं बनेगा वो भी डिसाइड करना है। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो नाश्ता करेंगे आज, सिंपल सा सादा सा। मेथी की सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, चना का दाल फूलने को डालते तो उसका सब्जी बनता है। भुजिया बनाएंगे और आलू दम बनेगा, तो लौकी का भुजिया बना देते हैं और आलू दम आम की टिक्की वाली चटनी पीस गया है। तो कच्चा आम है, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, नमक डालकर उसे पीस रहे हैं। 2 से 4 बूंद सरसों का तेल इसमें जा रहा है। सिमटते हुए पिसा हुआ आम की चटनी मिल जाए, इसका स्वाद ही कुछ अलग आता है। जी खाना खाने लगे हैं, खाने में है चावल दाल, लौका की भुजिया, आम की चटनी और सूखा आलू दम। कसा आलू दम मैंने अपने लिए रखा है और सभी के लिए तरीदार है। तो यही आज का लंच है। कितना गर्मी लग रहा है, 2-2 पंखा चला रहे हैं, ये और एक ये। सब्जी बन रहा है, सब्जी क्या बनाएगा, सब्जी हम कुछ नहीं बनाएंगे, सब्जी का समझ में नहीं आ रहा है। पन्नी आई है, चाय बनवाते हैं, चाय नहीं पी अभी तक।
तो जी रात के खाने में सब्जी में बनेगा प्याज का पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा और रोटी, बच्चे इसे शौक से खा लेते हैं। और एक आलू का पकौड़ा बनाएंगे, आलू का पकौड़ा और कोई नहीं खाता, सिर्फ मैं ही खाऊंगी। तो चलिए ऑयल हमने चढ़ा दिया, सरसों का तेल फ्राई करेंगे, ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज के पकौड़े फ्राई करेंगे और बच्चों को पहले खाना देंगे। दूध भी यहाँ पर मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है, तो उससे पहले बैठे बैठे मैं सिलाई कर रही थी, तो सुबह थोड़ा सा की और अभी थोड़ा सा की, तो अभी बाकी है तो किसी और दिन करेंगे। तो चलिए यही आज के खाने में रहेगा और इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे उसे एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ कल। तो चलिए पकौड़े फ्राई किया जाए और नॉइज़ ना आए इसके लिए मैंने फ़ैन को ऑफ करके रखा हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ आता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं लिया है क्योंकि ये जो ऑयल बचेगा फ्राई करने के बाद ये कल सब्जी में यूज हो जाएगा और ज़्यादा लेंगे तो कई दिनों तक पड़ा रहेगा। इस तरीके से सारे प्याज के पकौड़े फ्राई कर लेंगे और एंड में फ्राई करेंगे आलू के पकौड़े। तो चलिए फ्राई कर देते हैं और फिर मिलते हैं।